नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में सचिन बोरा फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, हेड पोजीशन कई लोगों का क्या होता है, हेड पोजीशन जब देखते हैं, बिल्कुल सामने देखते हैं ऐसे, आपको जब भी एकेडमी जाएंगे या आप घर में भी सीख रहे हो तो हेड पोजीशन आपने ठीक करना जरूरी है। कई लोगों की ऐसे हो जाती है, ऐसे देखे रहते हैं, कई लोग बिल्कुल ज़्यादा ऐसा कर देते हैं तो कोई आगे को झुका देते हैं, कोई ऊपर ऐसे देखे रहते हैं, तो इसका सोल्यूशन ठीक करने का क्या है? क्योंकि हम जब क्रिकेट खेलते हैं खुद तो हमको पता नहीं चलता कि मेरा हेड कैसा हो रहा है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से। या तो आप इसका एक ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने सामने से बड़ा शीशा रखें, मिरर जिसको बोलते हैं, वो रखें और ऐसे करके प्रैक्टिस करते रहें हेड की, बिल्कुल, तब आपको पता लगेगा मेरा हेड सीधा हो रहा है या थोड़ा सा गिर रहा है ऐसे करके। दूसरा सोल्यूशन, आप सामने से अपना वीडियो बनाओ तब देखो। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप ग्राउंड में खेल रहे हैं तो अपना जो आपका जो बॉलर है, जो भी आपको बॉलिंग करता है, उसको बोलो कि आपको याद दिलाएं एक बार कि आप हेड पोजीशन। मैं अपने लड़के को हमेशा ऐसे सिखाता हूँ, जब भी मैं बॉलिंग करता हूँ हेड पोजीशन ऐसा बोलता हूँ, तो वो अगर बाई चांस उसका टेढ़ा भी होगा तो उसको फिर ठीक करने लग जाता है। ये आदत हमने बच्चों में डालनी है, अगर आप बड़े भी हैं तो अपने ऊपर डालनी है आपने ये आदत हेड पोजीशन की, तब आपका हेड पोजीशन ठीक होगा, नहीं तो आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि मेरा ये गलती हो रहा है करके। कंटिन्यूसली आपने जहाँ पर सिर्फ हेड पोजीशन नहीं, दूसरी चीज़ भी, बाई चांस आपका फुट रोल नहीं हो रहा, पैर जब आगे आगे जाता है वो सही से रोल नहीं हो रहा, पैर सीधा नहीं हो रहा, तो पैर सीधा, हेड पोजीशन, बार बार बॉलिंग देने से पहले उसको याद दिलानी है कि ये करना है। जैसे माना किसी का बैक लिफ्ट इतना ही जा रहा है, ज़्यादा उठ नहीं रहा, बैक लिफ्ट यहाँ तक नहीं जा रहा किसी का, तो आपने उसको याद दिलाना, बैक लिफ्ट बोलना, तब उसका दिमाग इधर जाएगा कि हाँ मैंने बैक लिफ्ट ठीक करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और शुरू में बेसिक में ये नहीं सुधरी तो आगे चल के सुधारने में बहुत टाइम लगता है। जो चीज़ें बचपन में जितनी जल्दी सुधर गई उसके बाद आगे जाके उस गलती को सुधारने में आपको 2-3 महीने लग जाएंगे, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो पक्का उसको बोलना है, बॉलर को जो आपको ट्रेनिंग कर रहा है, जो आपको बॉलिंग कर रहा है, उसको बोलना है कि भाई मेरे को याद दिला। खुद की गलती खुद को कभी पता नहीं चलती, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुद की गलती खुद जान लेते हैं। दूसरा सोल्यूशन वही है जो मैं शीशे में बता रहा हूँ या वीडियो में बता रहा हूँ, जैसे मैं अभी खुद ही यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अपना स्क्रीन दिख रहा है तो मेरे को पता है मैंने बैट यहाँ तक ले जाना है, उठाना है ऐसे करके, उठाना है, देखो अगर मेरा बैट ज़्यादा ऐसे पीछे जा रहा है तो ये पता लगना चाहिए कि ये ज़्यादा जा रहा है या ऐसे इधर को जा रहा है, तो तब भी पता लगना है। बिल्कुल ऐसे मैंने बता रखा है कि यहाँ पे टच यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे करके, तो ये अगर ज़्यादा हाथ आगे जा रहा है तब भी पता होना चाहिए कि मेरा ज़्यादा हाथ आगे जा रहा है, बिल्कुल इसके साथ होना चाहिए ये ऐसे करके। तो ये चीज़ें आपने अपने हिसाब से करना है, तब जाके होगा। इसका भी दोस्तों यही सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।